एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ऑल अनदर व्लॉग। सो कल कन्याकुमारी घूमने के बाद आज का प्लान इज टू विजिट दी पुवार आइलैंड्स। सो कोवलम से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर एक छोटा सा कोस्टल विलेज है इन द त्रिवेंद्रम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला विच इज नोन एज दी पुवार आइलैंड्स। और पुवार ना बहुत ही ज़्यादा फेमस है अपने सीरीन बैक वाटर्स, गोल्डन सैंड बीच और लश मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए। तो आज इस वीडियो में हम वो सब एक्सप्लोर करेंगे। सो लेट्स गेट दिस वीडियो स्टार्टेड। पुवार की सभी आइकॉनिक लोकेशंस को एक्सप्लोर करने का द वन एंड ओनली वे इज थ्रू अ बोट राइड। एंड ये जो बोट्स हैं ये हर दिन चलती है फ्रॉम मॉर्निंग 7 AM टिल 5:30 PM और ये अलग अलग ड्यूरेशंस की होती है। अगर एक घंटे की बोट राइड है तो ऑफ कोर्स वो आपको कम स्पॉट्स पे लेके जाएगी। सो अकॉर्डिंगली वी हैड बुक्ड अ 7-seated बोट दैट कॉस्टेड अस अबाउट 4,500 rupees फॉर 2 hours और इन 2 घंटों में हमने पुवार लेक, मैंग्रोव फॉरेस्ट, गोल्डन सैंड बीच, द फेमस मदर मैरी रॉक, फ्लोटिंग कॉटेजेस, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट्स, एलिफेंट रॉक एट्सेट्रा, ये सब हमने विजिट किया। इस बोट राइड के दौरान वी डिड गेट अ चांस टू एक्सप्लोर सम एग्जॉटिक बर्ड्स। और जैसे ही जैसे आपकी बोट आगे सेल करेगी थ्रू कोकोनट ट्रीज और एंटर करेगी मैंग्रोव फॉरेस्ट में, आपको ऐसे विटनेस होगा कि आप इंडियन अमेज़न जंगल में आ गए हैं। और वो सामने से दिख रहा है द वेरी फेमस गोल्डन सैंड बीच। इसका नाम भी गोल्डन सैंड बीच इसलिए है क्योंकि जब सन रेज मिट्टी पे पड़ती हैं तो इसकी मिट्टी बिल्कुल सोने की तरह चमकती है। एंड ऑनेस्टली ये काफ़ी क्लीन बीच था और बहुत ही सुंदर है। द यूनिक फीचर अबाउट दिस गोल्डन सैंड बीचेस कि आपकी आंखों के सामने इज अरेबियन सी और बिल्कुल आपके पीछे इज द बैक वाटर्स। सो वी हैड एन अमेजिंग टाइम ओवर योर। हमने कुछ 35 to 40 minutes यहाँ पे स्पेंड किए और इट वॉज टोटली वर्थ इट। दिस इज द एलिफेंट रॉक। इन फैक्ट ये इस तरीके से काव हुआ हुआ है कि दूर से देखने पर बिल्कुल ऐसे लगता है कि एज इफ एलिफेंट ही खड़ा हुआ हो। सो दीज आर द फ्लोटिंग कॉटेजेस जिनको फ्लोटल्स भी कहा जाता है और यहाँ पे भी लोग रुकते हैं। और बिल्कुल इसके पास में इज दी मदर मैरी रॉक और इस मदर मैरी रॉक के आगे वाला जितना भी एरिया है दैट कम्स इन दी बाउंड्रीज ऑफ तमिलनाडु। ओवरऑल काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा बट थोड़ा सा प्राइसी है। एनी विच वेज पुवार आइलैंड एक्सप्लोर करने के बाद हम वापस से अपने होटल सागरा रिजॉर्ट में चले गए। एंड या लेट मी ऑल्सो क्विकली गिव यू रूम टूर। रूम की बालकनी से बीच और लाइट हाउस बहुत ही क्लियरली विजिबल है। और शाम को फिर से हम लोग बीच पे चले गए। काफ़ी देर वहाँ पे वॉक किया, एक खूबसूरत से सनसेट को एंजॉय किया और केरला में अपने आखिरी दिन को स्पेंड किया। इससे पहले मैंने केरला सीरीज़ के और भी वीडियोस डाले हैं, इन केस अगर आपने वो नहीं देखे तो उनका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो उनको ज़रूर देखिएगा। और अगले व्लॉग में लेट्स डिस्कस द बजट और एक परफेक्ट आइटनरी क्या होना चाहिए अगर आप 8 से 9 दिन केरला का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो। सो थैंक यू सो मच एंड आई शैल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। बाय, टेक केयर।